नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय, इसका सिद्धांत हल करने जा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का हल सीखने जा रहे हैं कि कैसे इसे हम प्रूफ कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय हमने बहुत पहले से सीख रखी है कि एक समकोण त्रिभुज में विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, इसे ही हमने इस प्रमेय में हल करना है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है। बी पर हमने बी से एसी पर एक लंब बनाया है बी डी, जो कि एसी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब बच्चों आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, आप रचना भी लिख सकते हैं हिंदी में। ड्रॉ बी डी जो कि लंब होगा एसी पर। अब हम इसका हल करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये दो त्रिभुज हमने लिए हैं ए बी सी और ए डी बी। बच्चों मैं ये दोनों त्रिभुज ना आपको यहाँ पे थोड़े से अलग करके भी बना के दिखा रहा हूं। देखो ए बी सी है ये वाला त्रिभुज, इस प्रकार से बना हुआ है आपके सामने ए बी सी, और ए डी बी जो है वह इस प्रकार से बना हुआ है ए डी और बी, जो यहां पर 90 डिग्री बना रहा है और ये यहां पर। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप देखें, ये इसी में से मैंने ये दो त्रिभुज आपके लिए बनाए हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, कोण एबीसी बराबर है कोण एडीबी के, क्योंकि 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण ए, ये कोण ए यहां भी है कोण ए, ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों, ये कॉमन है। तो दोनों त्रिभुजों में दो दो संगत कोण बराबर आ गए, तो ए ए समरूपता कसौटी से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज बेटा, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, यह समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के, जो कि हमने शुरू में लिए थे दो त्रिभुज। अब यदि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं समान, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ए बी बटा ए सी बराबर होगा ए डी बटा ए बी के। ठीक है बच्चों, इस त्रिभुज में से ए बी और इस त्रिभुज में से ए सी, और इस त्रिभुज में से ए डी और इस त्रिभुज में से ए बी। ठीक है बच्चों, यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी गुना ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वेयर, और यहां से हो जाएगा ए सी गुना ए डी के बराबर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन। बच्चों इसी प्रकार से, अब मैं एक अलग कलर का पेन यूज कर रहा हूं क्योंकि हम एक अलग त्रिभुज लेंगे। इसी प्रकार आप देखिए, हम त्रिभुज जैसे हमने ए डी बी को पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया, इसी प्रकार से बी डी सी को भी, ये वाला छोटा त्रिभुज, इसको भी हम बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि त्रिभुज
बी डी सी यह समरूप सिद्ध हो सकता है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है बच्चों, और हमें इससे क्या प्राप्त होगा, सी डी बटा बी सी बराबर होगा बी सी बटा ए सी के, क्योंकि इनकी भुजाएं समानुपाती हैं, दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं समानुपाती हैं। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर दो, सॉरी इनको अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी डी गुना ए सी बराबर होगा बी सी गुना बी सी यानी बी सी स्क्वेयर के। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर दो। हम इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वेयर बराबर होगा सी डी गुना ए सी के। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर दो। इसका कारण बच्चों ये, इसको आप काट सकते हो। ये मैंने क्यों काटा, मैं अभी आपको बता देता हूं। इसको आप काट दीजिए। इसमें से हमने बी सी गुना बी सी, बी सी स्क्वेयर बराबर सी डी गुना ए सी लिखा। क्यों लिखा, इसको काटा क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में स्क्वेयर वाली चीज लेफ्ट साइड पे आ रही थी, इसलिए हमने कोशिश करी कि नीचे वाली इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड पे रहे। अब आइए हम इसे देखते हैं। अब हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को प्लस कर देंगे, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, तो बन गया ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगी और राइट साइड में यहां पर है ए सी गुना ए डी प्लस यहां पर है सी डी गुना ए सी। अब बच्चों ध्यान से देखना, यह है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ये बराबर होगा ए सी गुना ए डी प्लस सी डी गुना ए सी, ए सी ए सी कॉमन, बाकी बच गया ए डी प्लस सी डी। अगले स्टेप में देखिए ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर को ऐसे ही उतार देंगे, यहां बन गया ए सी गुना ए डी प्लस सी डी। ध्यान से देखिए बच्चों, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी मिलके बन जाएगी ये पूरी भुजा। देखिए ए डी प्लस सी डी बनके मिलके बन जाएगी ये पूरी भुजा जो कि है ए सी। तो ये आ गया ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बराबर होगा ए सी गुना ए सी यानी कि ए सी का स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी का स्क्वेयर बराबर है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर के। यही तो हमने सिद्ध करना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए सी का वर्ग, बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है। तो हम आगे यहां लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हमने पाइथागोरस प्रमेय का हल निकाला है। तो बच्चों देखिए, हमने पाइथागोरस प्रमेय जो है उसे सिद्ध करके दिखाना था, इस विधि से हमने इसे सिद्ध करके दिखाया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।